बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कुक विद शावी। तो आज हम बना रहे हैं क्रीमी अफ़गानी मटन, तो चलें बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम हाफ कप ऑयल डालेंगे और साथ ही हम फिर ऑयल का गर्म होने का वेट करेंगे। फिर जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें अपना मटन ऐड करेंगे। मटन ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा भुनेंगे, ठीक है, जब तक के इसका रंग चेंज नहीं हो जाता, रेड से वाइट नहीं हो जाता, जब तक तक भुनेंगे। जितनी भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो भुनते जाएं, जैसे ही रंग चेंज हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन। यहाँ मैंने कुटावा यूज़ किया है, ठीक है, तो आप कुटावा भी यूज़ कर सकते हैं और पिसावा भी, कुटे वैसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। इसी के साथ ही हम डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्चें 3 टेबल स्पून, ठीक है। फिर से यही कहूँगी, आप इसी भी यूज़ कर सकते हैं पर कुटी हुई से टेस्ट अच्छा आएगा। ये सब हमने ऐड कर ली, हम इसे थोड़ा भुनेंगे फिर से। इसमें बुनाई का ज़्यादा काम है, जितना अच्छा भुनेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो हम भुनते जा रहे हैं, फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक जो कि 1 टीस्पून है, ठीक है। इसके साथ हम फिर से भुनेंगे। भुनाई करने के बाद हम यहाँ पानी ऐड करेंगे, गरम पानी आप यूज़ कीजिएगा, मैंने भी गरम पानी यूज़ किया, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है हमारे गोश्त का, ठीक है, मिनटों में गल जाता है, ठीक है। ये हमने डाला तकरीबन 1 गिलास, ठीक है। अच्छा, हम गरम पानी यूज़ करेंगे, ठीक है, 1 गिलास गरम पानी। उसी के साथ ही अब इसे हम 40 to 45 मिनट्स ढककर पकाएंगे। जैसे ही बॉयल आ गया हमने देखे यहाँ ढक देंगे, तो मिलते हैं फिर 45 मिनट्स के बाद। तो देखें 45 मिनट्स हो गई, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि कुछ यूँ हैं, काली मिर्च 2 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है। ये सब हम चीज़ें इसमें डाल देंगे जिससे हमारा अफ़गानी मटन और ज़्यादा लजीज बनेगा, ठीक है। ये सब हमने ऐड कर दिया, अब हम फिर से भूनेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने लाल करके रखी थी, ठीक है, वो है 1/2 कप, ठीक है। ये हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि तिरंग नहीं आ जाती। जैसे ही तिरंग ऊपर आने लगे, देखें इस तरीके से, तो अब इसमें हम 1/2 कप टमाटर का पेस्ट डालेंगे, ठीक है, उसके बाद भुनाई करेंगे। उसी के साथ ही हम इसमें 1/2 कप दही डाल देंगे और भुनेंगे। ये देखें बुनाई हो गई है, इस तरीके का कुछ लुक आ रहा है, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, खुशबुएं भी मज़े की आ रही हैं। हम बुनते जाएंगे, बुनाई से बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ढक कर पकाएंगे 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट हो गई, हमने अपनी लिड हटाई, देखें कितनी अच्छी तरी आई है। इस वक्त हम इसमें अब डालेंगे क्रीम, ये मैंने क्रीम दूध डाल के इसको थोड़ा पतला कर दिया, यानी कि 2 टेबल स्पून क्रीम होगी और आप थोड़ा दूध डाल के कंसिस्टेंसी देख के 3 to 4 टेबल स्पून आप इसमें क्रीम ऐड कर दें, क्योंकि क्रीमी अफ़गानी मटन है तो क्रीमी तो जाएगी। ये हमने क्रीम डाल दी, हम थोड़ा भूनेंगे इसे। लास्ट में हम इसमें डालेंगे खुशबूदार कसूरी मेथी, ठीक है, 1 टीस्पून हो या जितनी आपको नीड हो, ठीक है। तो ये अब हमने रखा और ये हमने कसूरी मेथी इस पे डाल दी। उसी के साथ ही हमारी अब क्रीमी अफ़गानी मटन रेडी है। तो फिर हमने देखें इसे क्रीम के साथ गार्निश किया है, कितना प्यारा लुक आ रहा है। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल कुक विद शावी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।